हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशु विश्वकर्मा और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलाई कैसे सीखे। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं अस्तर वाले सूट की कटिंग। ये हमारे पास में ये अस्तर का सूट है, कपड़ा है ये अस्तर है और ये है फैब्रिक। तो हमें इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करने से पहले सबसे पहले हमें इसकी नाप देखनी है। तो जो हमारी नाप है, जो सूट की लेंथ रखनी है हमें, वो 43 इंच की रखनी है और ब्रेस्ट 41.5 है और कमर 38 है, हिप्स 41 है और बाजू की जो लेंथ है वो 15 इंच है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जब हम नाप लेते हैं नॉर्मल सूट की बिन अस्तर वाले की, तो उससे हमें जब भी हम अस्तर वाला सूट बनाते हैं तो उससे हमें एक एक इंच बढ़ा लेना है, क्योंकि ये डबल कपड़ा हो जाता है और ये खींचता भी नहीं। तो इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है बिना अस्तर वाले सूट से, जब भी हम अस्तर वाले सूट की कटिंग करते हैं तो हमें एक इंच एक्स्ट्रा लेना है, ब्रेस्ट पे से भी, कमर पे से भी और हिप्स पे से भी। इस बात का हमें खास ध्यान रखना है, इससे जो आपकी सूट की फिटिंग होगी वो एकदम बिल्कुल परफेक्ट होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जब भी अस्तर वाले सूट की कटिंग करते हैं तो सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे। ये हमारा अस्तर है, ये 2.5 मीटर अस्तर है, क्योंकि जो कुर्ती की लेंथ है वो 43 इंच की है। तो हमने 2.5 मीटर अस्तर लिया है, हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। ये हमें डबल फोल्ड हमने पहले कर लिया था, अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। तो हमने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, आप जब भी, ये हमारा 2.5 मीटर अस्तर है तो हमें इसकी लेंथ 43 इंच रखनी है। तो हमने क्या करना है, जो ये ओपन वाली साइड होती है फोल्ड वाली, तो ये हमें ऊपर की साइड रखनी है, क्योंकि जब भी हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है वो इधर जॉइंट का बिल्कुल एक जैसा इधर बच जाएगा हमारा। अब हम इसकी ऊपर से, हम क्योंकि हमें पीछे का भी ओपन कलर रखना है, तो 7 इंच का पीछे का होगा और 7 इंच का आगे का होगा, तो हमें 6.5 इंच ले लेना है ऊपर से इस तरीके से। और जो इसके आर बोल होंगे वे 7.25 इंच ले लेंगे हम इस तरीके से, हल्का सा इस तरीके से निशान लगाएंगे। अब हम थोड़ा सा यहाँ से 2.5 इंच पे लगाएंगे ब्रेस्ट का निशान इस तरीके से। यहाँ पे ब्रेस्ट 41.5 है तो ये ले लेंगे 42.5, तो हमें 10.5 से 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लेना है इस तरीके से। और ऊपर से यहाँ से जो हमने आर्म होल का निशान लगाया है, यहाँ से हम इंच टैप को रखेंगे और यहाँ पे 7.25 पे एक निशान लगा लेंगे इस तरीके से। और अब हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। कमर हमारे इसमें 38 इंच है तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, तो हम 39 कर लेंगे, तो हम यहाँ पे 7.25 पे निशान लगा लेंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ से हिप्स के लिए 7.5 पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। और हिप्स हमारे 41, तो हमें 42 पे निशान लगाना है, 10.5 पे निशान लगा लेंगे हम इस तरीके से। इस तरीके से यहाँ पे निशान यहाँ पे मिला देंगे और ये वाला निशान यहाँ पे मिला देंगे। और ये हमारा आगे ये मार्जिन के लिए है। अब हमें इसकी लेंथ देखनी है, लेंथ 43 इंच है तो हम टोटल इसको 43 इंच पे ही निशान लगा लेंगे। नीचे से आप अस्तर
अपने हिसाब से, जितना आपको कम रखना है उसी के हिसाब से मोड़ सकते हो, क्योंकि बारीक है तो मैं ज़्यादा कम नहीं, ज़्यादा गैप नहीं रखूँगी अस्तर में, थोड़ा 2 इंच का ही रखूँगी, 2 इंच छोटा रखूँगी अस्तर इससे, तो 1.5 इंच थोड़ा नीचे से आ जाएगा मोड़ने में और 1/2 इंच ऊपर से आ जाएगा सिलाई में। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे अस्तर की इस तरीके से। तो हमने कटिंग कर ली, नीचे से हमारा ये इतना बच गया है। अब हम जो ये निशान है इसको डार्क कर लेंगे इस तरीके से। जो ज़्यादा फिटिंग के कपड़े पहनते हैं उसके लिए आप कमर पे थोड़ा 1 इंच से कम भी ले सकते हैं, और हिप्स पे से भी थोड़ा कम ले सकते हैं, ब्रेस्ट पे इतना ही रखना है। अब ये जो निशान है इसको हम दूसरी तरफ पलट लेंगे इस तरीके से, इससे बिल्कुल निशान सही लगेंगे। और इसको हल्का सा इस तरीके से हाथ मारते हुए, और ये निशान हमारे साइड भी आ चुका है, इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे इस तरीके से, इस ऐसे। अब हम एक बार और फिटिंग को चेक करके देख लेंगे। तो हमने चेक करके देख लिया है, इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ ले लेंगे यहाँ से, और हिप्स भी हमने नाप के देख लिए हैं, हिप्स पे फिर इनसे भी थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से निशान लगा लेंगे इस तरीके से। अब हमें इस तरीके से ऐसे बीच में कट लगा देंगे। हमारा इस तरीके कटिंग हो चुकी है, अब हम फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पीस है, ये गला बना हुआ है। फ्रेंड्स, मैंने पहली वीडियो में बने हुए गले पर अस्तर कैसे अटैच करते हैं ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे इस तरीके से, यहाँ पे इसको इस तरीके से सीधा ही कर लेंगे, क्योंकि हमारी जो कटिंग है निशान वगैरह फिटिंग की हमारे अस्तर पे हो चुके हैं। तो अब हम इसको सीधा ही रख के काट लेंगे इस तरीके से, यहाँ पे बिल्कुल एक सार करते हुए। अब हम इसके ऊपर इस वाले अस्तर को रख लेंगे। सबसे पहले हमें लेंथ भी देखनी है, ऊपर से 1/2 इंच छोड़ते हुए। तो लेंथ हमारी 43 हमें रखनी है तैयार। तो हम यहाँ से जो ये बॉर्डर है हम नीचे से हटा के ऊपर लगा देंगे। फिलहाल हम इसको इतनी कटिंग करेंगे, इसको अलग कर लेंगे। इसको इस तरीके से रख लेंगे इसके ऊपर। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमने इसकी कटिंग कर ली है, ये हमारा फ्रंट फैब्रिक की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करके रख देंगे। अब हम पीछे वाले पीस की कटिंग करेंगे। ये हमारा फैब्रिक है,
क्योंकि इस पर जो ये प्रिंट है ये की तरफ को है, ये फ्लोर बने हुए हैं इस पर छोटे छोटे से, तो इसको हम इस तरीके से ऐसे फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से, और इसको भी इसके ऊपर रख के इसकी भी कटिंग इसी तरीके से कर लेंगे जैसे हमने फ्रंट वाले पार्ट की है। तो हमने ये बैक वाले पार्ट की भी कटिंग कर ली है, ये हमारी स्लीव्स, हम इस पर तो अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये क्योंकि जो ये फ्लोर है एक ही साइड को है ये इस तरीके से, तो हम अलग अलग निकालेंगे। सबसे पहले हम एक स्लीव निकालेंगे, तो स्लीव की जो लेंथ है वो 15 इंच है। पहले इसको एक सार कर लेंगे इस तरीके से, लेंथ है इसकी 15 इंच, तो हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। साढ़े 16 यहाँ पे इसकी कटिंग कर देंगे। गोलाई हमारी 11.5 है, तो हम 6.25 पे निशान लगाएंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो यहाँ नीचे से हमारा ये और ऊपर आर्म होल के लिए हमें 10.5 लेना है हमें, तो हमारा ये 9 इंच बैठ रहा, तो 1.5 इंच का हमें जॉइंट चाहिएगा, तो हम 2 इंच जॉइंट के लिए काटेंगे क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में भी आ जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले हम इसलिए इसको इस तरीके से सीधा ही काट लेंगे। और इसी स्लीव को हम इसके ऊपर रखे दूसरी स्लीव की भी कटिंग कर लेंगे। हमने ऐसी कटिंग कर ली है, अब यहाँ पे जॉइंट आ जाएगा और हमारी स्लीव की कटिंग हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।